अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां अपनी यात्रा पूरी कर लौटे मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। श्री तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह सरकार को सिर्फ वोट चाहिए और वह जैसे चाहे मिले। लोगों की समस्याओं और प्रदेश के विकास से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। श्री तिवारी ने कहा कि यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण किया गया, लेकिन उन्हें कहीं भी सड़क पर आवारा जानवर नहीं दिखाई दिए, जबकि पूरे विंध्य में आवारा जानवरों की भरमार है। लक्ष्मण तिवारी ने अन्य कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं लक्ष्मण तिवारी ने अपनी यात्रा के संबंध में जानकारी देने के साथ साथ प्रदेश सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। मवेशियों की हालत पर हम लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं। ये पूरा संभाग जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि 3 वर्षों से अनवरत मेरी लड़ाई जारी है। कई राज्यों के लोगों ने इसको माना। अभी हम भ्रमण और यात्रा में थे, मैं तो योगी के सरकार के आवारा पशुओं का जो हमने रूप देखा, हमको मिर्जापुर से लेकर बनारस और बनारस से आजमगढ़, जौनपुर और अयोध्या धाम से लेकर प्रयागराज तक कहीं कोई आवारा पशु नहीं मिला सड़कों में। हम रात में भी यात्रा किए, दिन में भी यात्रा किए, क्योंकि 4 दिन की यात्रा थी। हम और हमारे साथियों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हम 60 लोग यात्रा में गए थे और उन 60 लोगों में ये जो हमारे उस सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत थी और सिरमौर विधानसभा में तराई क्षेत्र के लोग इस यात्रा में गए थे, तो उसमें कंट्रोल है। पर हमारे बिंद में आवारा पशुओं का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। सारी बातें, सब कुछ सरकार पर निर्भर हो रहे हैं लोग। और सरकार ऐसी है कि उसको वोट चाहिए, बाकी उससे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। वोट मिले, कैसे मिले, किस तरह से मिले। और मैं जनता को भी 10 महीना पहले मध्य प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं और उन वोटरों को भी कहना चाहता हूं कि चूंकि नेता तो डकैती पर उतारू हैं। अभी एक खबर छपी कि 100 करोड़ में तेलंगाना का कोई विधायक भी सरकार खरीदे रही है। कौन सरकार है, कहाँ खरीद रही, आपके खबरों से, समाचार पत्रों से सुनने में आया है। मैं कहना चाहता हूं कि उतना ही पाप होगा जितना बिटिया बेचने पर, जैसे बेटी बेच के कोई कमाई करे शादी में, उतना ही पाप लगेगा वोट बेचने में। अगर कोई वोट बेच के या किसी नेता खरीद रहा है और वोट दे रहे हैं हम, तो उतना ही पाप लगेगा जितना बेटी बेचने में पाप लगेगा। इस पर अगर सरकार इस तरह से कदम उठा रहे हैं, और मोदी जी आपकी आंख दोनों लगता है नहीं बची हैं क्या, आपको नहीं पता हो रहा है। लोकतंत्र में आप सत्ता करें, मैं तो चाहता हूं कि आप जब तक जीवित रहे तब तक केंद्र की कुर्सी में बैठे रहे, क्योंकि बाकी में कुछ दम दिख नहीं रहा, तो बैठे रहिए। मगर दोनों आंख बंद करके बैठे हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आपके माध्यम से मैं यात्री जो प्रतीक्षालय है, माननीय इस प्रदेश के विधायक और सांसद, यात्री प्रतीक्षालय की लागत जो प्रधानमंत्री आवास का मकान है उसमें ठगी हो रही है, कटौती हो रही है, और माननीय विधायक और सांसदों का जो यात्री प्रतीक्षालय है और जो टैंकर सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है? जो बोल लोगते बोलते हैं कि मेरे पेट में भ्रष्टाचार का एक दाना नहीं जाएगा, अगर ईश्वर है तो इनका पेट फाड़ के इनको देखो कि इनके दाना दाना पेट में भ्रष्टाचार का चढ़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक सांसदों को जो केवल 1 लाख की चीज को 2.5 लाख और 1 लाख कमीशन खा रहे हैं। आखिर क्या है ये? यही है, और जनता देख रही है। जगह जगह लाल पीला रंग करके या पार्टी का कलर करके नाम लिख दिया फलाने द्वारा प्रस्तुतिकरण, इसका कोई परीक्षण करे, एजेंसी लग जाए। अगर माननीय मोदी जी, फिर मैं मोदी जी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि अब नीचे कोट करने का कोई स्थिति नहीं है, अगर इनकी एजेंसी की जांच करा दें कि कितना प्रतीक्षालय में कितना पैसा लगेगा, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंत में मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से जनता की तरफ से 3 बातें बहुत प्रमुख है। जिस तरह से ये टनल बना है हमारे चुरहट में, ये बहुत पैसा लगा है और ये बड़े काम का है। मैं देख के आया हूँ
उसका मैं स्वागत करता हूँ, जो भी कंपनी बनाई या जिसने भी बनाया उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। ऐसे टनल में ये तो लंबा है, 7 किलोमीटर की यात्रा बची है। हमारे सिरमौर में जैसे स्वर्गीय आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री के कॉलेज से लेकर और नीचे 0 पॉइंट कहलाता है, 1.5 किलोमीटर अगर टनल बन जाए तो इसमें सुरक्षा भी मिल जाएगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, समय का भी बचत होगा और तराई क्षेत्र और नीचे जाने वाले में व्यवसाय भी सरल हो जाएगा, यात्राएं भी सुगम हो जाएंगी और इसकी दूरी भी कम हो जाएगी और सुविधा भी मिल जाएगी। और बाज़ार, ये अगर टनल बनता है तो ये सीधे कानपुर को जोड़ेगा, मानिकपुर को जोड़ेगा, प्रयागराज को जोड़ेगा। तो जो यात्रा हम इधर से तमाम से करते हैं, ये हम सिरमौर होकर अगर नीचे जाते हैं तो इससे लाभ वहाँ की जनता को होगा। इसलिए टनल बनाने में जो भी वहाँ का टनल बनाए, घोषणा नहीं, भूमि पूजन नहीं, क्योंकि केवटी में भूमि पूजन माननीय वहाँ के विधायक जी वर्तमान में केवटी के भूमि पूजन रेलिंग का किए थे कि कूड़ा के चारों तरफ रेलिंग हो जाएगी, तो एक बार जिसको मरना हो तो जाएगा, पर एक बार थोड़ा सा अड़ंगा लगेगा, बैरिकेड हो जाएगा। तो भूमि पूजन के बाद 22 लोग वहाँ जान गंवा चुके हैं एक साल के भीतर। और उसमें हमारे तिलखन के पास एक क्षत्रिय परिवार है, उनका लड़का जब वहाँ गिरा तो ये धर्मेंद्र जी गवाही है, मैं स्वयं गया और वो कूदा तो उसने कहा कि अगर कोई अड़ंगा होता, ऐसे ही अभी छोटी नहरों में एक गुप्ता का लड़का भी सिरमौर में। तो मेरी मांग है कि ये टनल बनाया जाए और केवटी कूड़ा को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने लायक है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। और अंत में मैं, जो हमारी यात्रा चल रही है नवंबर में,